The Dawn Express. Aina Sashka. नमस्कार, आप देख रहे हैं द डॉन एक्सप्रेस और मैं आपकी होस्ट एनी शर्मा एक बार फिर से आपके रूबरू हूँ समस्त खबरों के साथ। लेकिन उसके लिए आपको द डॉन एक्सप्रेस की हमारी ये वीडियो अंत तक देखनी होगी और साथ ही साथ हमारी इस वीडियो को आप लाइक भी कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं हमारे चैनल को। तो चलिए शुरुआत करते हैं सबसे बड़ी खबर के साथ। हम बात करते हैं सबसे पहले कल सबसे बड़ी हुई गिरफ्तारी के बारे में, जो है रिपब्लिक टीवी के एडिटर इन चीफ अर्नब गोस्वामी की। जी हाँ, हम सब जानते हैं कि अर्नब गोस्वामी रिपब्लिक टीवी के एडिटर इन चीफ हैं और कल मुंबई पुलिस ने उनके घर में जबरन घुसकर उनको गिरफ्तार किया। जी हाँ, हम सब जानते हैं ये सबसे बड़ी खबर रही कल की और ये आज भी सनसनीखेज बनी हुई है। दरअसल कोर्ट ने 14 दिन की हिरासत में उनको न्यायिक हिरासत में भेज दिया है और आज से वो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में अपनी बेल की याचिका दर्ज करेंगे। पुलिस ने उनकी कस्टडी मांगी थी जिसको कोर्ट ने खारिज कर दिया है, लेकिन हाँ 14 दिन का उनको हिरासत में ले लिया गया है। अब आगे क्या होगा ये आपको हम बताएंगे कल की वीडियो में, लेकिन ये गिरफ्तारी हुई क्यों, आखिर क्या था मामला, ये आपको बताऊंगी। अब आपको बताती हूँ कि कल अर्नब गोस्वामी की गिरफ्तारी किस मामले पे हुई। जी हाँ, मुंबई पुलिस ने जबरन उनके घर में जाकर उनको क्यों गिरफ्तार किया। दरअसल 2018 का ये मामला है, एक इंटीरियर डिज़ाइन और उसकी माँ का ये पूरा मामला है। ये माना गया है कि उन्होंने सुसाइड किया था, उस इंटीरियर डिज़ाइनर ने सुसाइड किया था और उनकी माँ ने भी आत्महत्या की थी और इस सुसाइड नोट में उन्होंने 3 नाम दर्ज किए थे जिसमें कि एक अर्नब गोस्वामी का भी था, और जिसमें उन्होंने कहा था कि रिपब्लिक टीवी के एडिटर इन चीफ ने उनके पैसे नहीं लौटाए जिसकी वजह से वो आत्महत्या कर रहे हैं। ये पूरा मामला कल ही मुंबई पुलिस को याद आया और उन्होंने अचानक से जाकर बिना किसी जानकारी दिए अर्नब गोस्वामी के घर में घुसकर उनको गिरफ्तार किया, जबकि उनकी पत्नी और उनके बेटे ने भी विरोध करने की कोशिश की और कल उन्होंने उनके बेटे और उनकी वाइफ पर भी एक मुकदमा दायर हो चुका है। जी हाँ, मुंबई पुलिस ने उनके खिलाफ भी एक FIR लॉन्च की है। अब देखना होगा कि इस पर क्या कोर्ट फैसला लेगी। और भी तमाम खबरें हैं, बने रहिए डॉन एक्सप्रेस के साथ। अर्नब गोस्वामी की अगर बात कर रहे हैं तो आपको बता दूं कि ये पूरा मामला, जैसे कि मैं आपको बता चुकी हूँ, ये आत्महत्या को लेकर है जो 2018 का मामला है, लेकिन अचानक से मुंबई पुलिस जागी और अर्नब गोस्वामी के साथ साथ 2 अन्य लोगों को भी गिरफ्तार किया। अमित शाह से लेकर मध्य प्रदेश के चीफ मिनिस्टर तक ने इस गिरफ्तारी का विरोध किया है। अमित शाह ने तो अपने ट्वीट के जरिए ये तक कह डाला कि कांग्रेस ने अब लोकतंत्र की धज्जियां उड़ा दी हैं। जी हाँ, इस बात का विरोध सारे पॉलिटिशियंस के साथ साथ आम जनता भी कर रही है। सबको इस बात का बहुत आक्रोश है कि अर्नब गोस्वामी को 2018 के केस के लिए आखिर अचानक से मुंबई पुलिस कैसे उठा सकती है। जी हाँ, मुंबई से लेकर दिल्ली तक और दिल्ली से लेकर भोपाल तक सभी लोग सड़कों पर उतरे और सभी ने अपना विरोध जताया है। लोग इस बात को पचा नहीं पा रहे हैं कि 2018 के इस केस को अचानक खोलने का क्या तुक बनती है। जी हाँ, ऐसे कई केस हैं जो सलमान खान के ऊपर भी हैं, हिट एंड रन केस अगर कहूँ, हिरन का केस कहूँ, लेकिन वो अभी भी दबे हुए हैं। उनको इस तरीके से कभी भी मुंबई पुलिस ने जबरन उनके घर में घुसकर कभी गिरफ्तार नहीं किया, बल्कि उल्टा देखा गया है कि पूरे सम्मान के साथ सलमान खान को पुलिस स्टेशन लाया जाता है और वो, अगर आपने वो पिक देखी हो, अगर आपने वो पिक्चर देखी हो, तो वो आराम से मुंबई पुलिस में अपनी पूरी धौस के साथ वहाँ बैठे नज़र आते हैं। लेकिन वहीं अर्नब गोस्वामी जो एडिटर इन चीफ हैं, जिनकी काफ़ी वैल्यू है इस देश में, उनका चैनल है जो हाइएस्ट TRP का चैनल है, जो हमेशा सच की आवाज़ को दिखाते हैं, उनको जबरन मुंबई पुलिस ने ऐसे गिरफ्तार किया जैसे किसी टेररिस्ट को करते हैं। इस बात का विरोध है और जनता काफ़ी आक्रोश में है। जी हाँ, क्योंकि एक मुद्दा साफ नज़र आता है और वो मुद्दा क्या है ये आपको बताऊंगी। आप देखते रहिए हमारे इस चैनल को द डॉन एक्सप्रेस के साथ। मैंने आपको बताया था कि वो तमाम लोग जो सुशांत के लिए आवाज़ उठा रहे हैं, उनकी गिरफ्तारियां हो रही हैं, तो कहीं किसी के ऑफिस टूट रहे हैं,
और अब लोगों को खतरा है कि सुशांत के कोरियोग्राफर दोस्त गणेश और अंकित उन पर भी खतरा मंडरा रहा है। जी हाँ, गणेश जो हैं वो लगातार प्रोटेस्ट कर रहे हैं। कब 2 अक्टूबर को वो दिल्ली आए थे और उन्होंने प्रोटेस्ट किया था, तभी अंकित को भी गिरफ्तार किया गया था। लेकिन अब कहना ये है कि गणेश को भी एक बड़ी गिरफ्तारी की जा सकती है। जी हाँ, गणेश ने इस बात का प्रोटेस्ट किया और लगातार वो अपनी आवाज़ बुलंद कर रहे हैं क्योंकि वो सुशांत के काफ़ी करीबी दोस्त थे। जी हाँ, और अब उनकी बारी है, लगता है कि उनको भी मुंबई पुलिस गिरफ्तार करेगी। मुंबई पुलिस लगातार उन लोगों को टारगेट कर रही है जो सुशांत के लिए अपनी आवाज़ बुलंद कर रहे हैं। मैंने आपको बताया कि किस तरह से जबरन मुंबई पुलिस ने अर्णब गोस्वामी को उठाया 2018 के मामले में, और साथ ही साथ आपको ये भी बताया कि सलमान खान के साथ कभी ऐसा सलूक नहीं किया गया, जबकि उन पर एक नहीं तमाम ऐसी धाराएं हैं जो मुंबई पुलिस उनको गिरफ्तार कर सकती है। और लोगों का एक सवाल है जो बहुत ही जायज़ है कि अगर 2018 का मामला अर्णब गोस्वामी का खुल सकता है तो ऐसे और भी फिल्म स्टार्स हैं, बॉलीवुड की ऐसी हस्तियाँ हैं जिन पर तमाम केस हैं, उनको आखिर जबरन मुंबई पुलिस क्यों नहीं उठाती अगर पुराने केसेस को ही खोलना है। और एक और बात जो सबसे अहम है कि आखिर वही लोग क्यों लैमलाइट में आ रहे हैं, उन्हीं लोगों को क्यों मुंबई पुलिस और महाराष्ट्र सरकार टारगेट कर रही है जो सुशांत के लिए आवाज उठा रहे हैं। जी हाँ, अगर हम फ्यूचर की बात करें तो ये माना जा रहा है कि कंगना की भी जल्द ही गिरफ्तारी हो सकती है, 10 तारीख को समन भेजे जा सकते हैं। कंगना ये वही है बॉलीवुड अभिनेत्री जिन्होंने लगातार अपनी आवाज़ बुलंद की है और सुशांत के मामले में वो बेबाक बोली हैं। वहीं अर्णब गोस्वामी भी लगातार सुशांत के मामले को उठा रहे थे और साथ ही साथ उन्होंने सुशांत को इंसाफ दिलाने की ठान ली थी। वो लगातार अपने टीवी चैनल के माध्यम से महाराष्ट्र सरकार को ललकार रहे थे, मुंबई पुलिस के परमवीर को ललकार रहे थे और कह रहे थे कि आखिर वो क्यों चाहते हैं कि सुशांत का मामला दब जाए। अगर कंगना की बात करें तो हम सब जानते हैं कि उनके ऑफिस को बीएमसी ने तहस नहस कर दिया था और वजह हम सबको पता है, क्योंकि वो सुशांत के लिए अपनी आवाज़ बुलंद कर रही थी। और अब अर्णब गोस्वामी क्योंकि वो उनका चैनल सुशांत को इंसाफ दिलाने की ठान चुका है तो अब उनको भी एक पुराने केस का हवाला देकर गिरफ्तार कर लिया गया। और भी कई ऐसे लोग हैं, अगर आपने विभोर आनंद का नाम सुना हो जो सुप्रीम कोर्ट के लॉयर हैं, उनको भी मुंबई पुलिस ने गिरफ्तार किया और उनकी बेल एक नहीं दो नहीं बल्कि 4 बार 5 बार रिजेक्ट हो चुकी है। जी हाँ, उनको बेल नहीं मिल रही थी लेकिन सूत्रों के मुताबिक उनको बेल मिल चुकी है। और अगर एक यूट्यूबर साहिल चौधरी की बात करें तो वो भी सुशांत के लिए बोल रहे थे, उनको भी गिरफ्तार किया था मुंबई पुलिस ने। अब देखना होगा कि मुंबई पुलिस और महाराष्ट्र सरकार ऐसा क्या छुपाना चाहती है जो लगातार उन लोगों के मुँह बंद कराने की कोशिश में है जो सुशांत को इंसाफ दिलाने की मुहिम छेड़े हुए हैं। एक और सुशांत के दोस्त हैं, उनका क्या कहना है वो भी मैं आपको बताऊंगी। अर्णब गोस्वामी की गिरफ्तारी से पूरा देश हिल चुका है। जी हाँ, हर कोई इसका विरोध जता रहा है, ये हम सब जानते हैं। रिपब्लिक ने अपने विजुअल्स में दिखाया कि किस तरीके से सलूक कर रही थी अर्णब गोस्वामी के साथ मुंबई पुलिस। जी हाँ, उनको धक्का मार मार कर पुलिस वैन में ऐसे बिठाया जा रहा था जैसे किसी टेररिस्ट को गिरफ्तार किया जा रहा हो। और रिपब्लिक का कहना है कि मारपीट भी की है मुंबई पुलिस ने अर्णब गोस्वामी के साथ। हालांकि जब वो पुलिस स्टेशन से बाहर निकले तो उन्होंने एक बार फिर से अपनी बुलंद आवाज़ में ललकारते हुए कहा कि महाराष्ट्र सरकार और परमवीर मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। जी हाँ, ये अर्णब गोस्वामी के शब्द थे जब वो पुलिस स्टेशन से बाहर निकले और अब वो अपनी बेल के लिए अर्जी लगा चुके हैं। लेकिन देखना होगा कि आखिर ऐसी गिरफ्तारियां कब तक होती रहेगी, कब तक महाराष्ट्र सरकार कुछ ना कुछ छिपाने की जो कोशिश कर रही है वो कब तक छिपाएगी। आखिर ऐसा क्या सच है जो महाराष्ट्र सरकार तिलमिला चुकी है और लगातार ऐसी गिरफ्तारियां कर रही है जो सुशांत के मामले को बढ़ा रहे हैं। सिर्फ लोग ही नहीं बल्कि पूरी एसोसिएशन जो है, जो पत्रकारों की एसोसिएशन है, उन्होंने भी इसकी कड़ी निंदा की है, जिसमें शामिल है रजत शर्मा। जी हाँ, रजत शर्मा जो इंडिया टीवी के एडिटर इन चीफ है, उन्होंने भी कहा कि वो अर्णब गोस्वामी की इस तरह से अचानक गिरफ्तारी की निंदा करते हैं। उन्होंने ट्विटर के जरिए सब अपनी ये बात साझा की और साथ ही साथ ऐसे कई जर्नलिस्ट हैं जिन्होंने इसका विरोध किया है क्योंकि वो सब जानते हैं कि ये चौथा स्तंभ है जो
बहुत ही हमारे लोकतंत्र में अहम भूमिका निभाता है, लेकिन आज इस लोकतंत्र की धज्जियां उड़ा दी गई हैं। जिस तरीके से फ्रीडम ऑफ स्पीच का फायदा उठाया जाता है और लोग अपनी बात को आगे रख पाते हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, ये हमारा राइट बनता है, लेकिन उसको एक तरीके से लोकतंत्र को दबाया गया है। लोगों की बात करने की, अपनी बात को सामने रखने की जो हमारी राइट है, उसको दबाया गया है। जी हाँ, इसकी निंदा हर किसी ने की है और हम सब भी इसका विरोध करते हैं। आपको बता दें कि जहां स्कूल बंद होने के कारण बच्चे अपना ज़्यादातर वक्त खेलकूद में बिता रहे हैं, लेकिन वहीं एक होनहार ऐसा भी है जिसने एक नया मुकाम हासिल किया है। मैं बात कर रही हूँ गोरखपुर के अमर प्रजापति की, जिन्होंने 14 साल की उम्र में एक बहुत ही बड़ा काम कर दिखाया है। दरअसल इन्होंने कोरोना काल में जब स्कूल बंद थे तो बल्ब बनाने की ट्रेनिंग दी और बल्ब बनाने की ट्रेनिंग के साथ इन्होंने अब अपना एक छोटा सा व्यापार शुरू किया है जिसमें 4 लोगों को रोजगार भी दिया है। साथ ही साथ उन्होंने 14 साल की उम्र में अपनी कंपनी की वेबसाइट भी शुरू की है। ये सभी बच्चों के लिए एक प्रेरणादायक बात है और हम सब बच्चों को यही सिखाना चाहिए कि वो भी ऐसा कोई आगे भविष्य में करने की सोचें जिससे वो अपना और अपने माँ बाप का नाम रोशन कर सके। अब आपको बताते हैं कि किस तरीके से अगर आप बड़ी वॉशिंग मशीन या नॉर्मल वॉशिंग मशीन लेने की सोच रहे हैं लेकिन किसी वजह से नहीं खरीद पा रहे हैं, तो अब आपके लिए मार्केट में अवेलेबल है मिनी वॉशर मशीन। जी हाँ, ऑटोमेटिक वॉशर मशीन नाम की ये मिनी वॉशिंग मशीन आपके कपड़ों को धो सकती है। जी हाँ, आप इसको बाल्टी में डालकर इलेक्ट्रिसिटी से चला सकते हैं और ये आपके एक नहीं बल्कि कई बाल्टी कपड़े धो सकती है और इस तरीके से आप कम टाइम में अपनी बिजली की भी खपत कम कर इस मिनी वॉशिंग मशीन का इस्तेमाल कर सकते हैं। ये रेड कलर में अवेलेबल है और ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों तरीके से आप इसे खरीद सकते हैं। हम सब अपने घरों में बल्ब का इस्तेमाल करते हैं लेकिन कुछ घरों में लोग सीसीटीवी कैमरास भी लगाते हैं, लेकिन अगर मैं आपको ये जानकारी दूँ कि बल्ब और सीसीटीवी कैमरा एक ही तरीके से आप यूज़ कर सकते हैं, जी हाँ, तो ये बात बिल्कुल सच है। अब मार्केट में ऐसा बल्ब अवेलेबल है जिसके अंदर क्लोज सर्किट कैमरा भी लगा हुआ है। अगर आप उस बल्ब को खरीदते हैं तो आपको कैमरे की अलग से खरीदने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, उस बल्ब में कैमरा फिट है जो गतिविधियों को देख सकता है। ये नॉर्मल बल्ब की तरह है, आप इसको लगा सकते हैं, इलेक्ट्रिसिटी से चलता है, जिसकी कीमत 1899 रुपये है, जो आपको ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरीके से मार्केट में मिल सकता है। तो अगर आप सीसीटीवी कैमरा अपने घर में लगाने की सोच रहे हैं तो इस बल्ब को लगा सकते हैं और इससे आप कैमरे में सारी गतिविधियों को रिकॉर्ड भी कर सकते हैं। ट्रांसपोर्ट फॉर लंदन मॉडल जैसी अब बसेस इंडिया में भी चलेंगी। जी हाँ, जो यात्री कोशिश कर रहे हैं या प्लान कर रहे हैं वैष्णो देवी जाने का, तो उनके लिए बहुत ही अच्छी खबर है। इसी तर्ज पे अब सरकार बसेस चलाएगी जो बहुत ही मिनिमम कॉस्ट पर आपको अवेलेबल होगी। आप जा सकते हैं बाय रोड वैष्णो देवी और साथ ही साथ बहुत ही आरामदायक ये बसेस होंगी। तो अगर आप प्लान कर रहे हैं तो आप अपनी बुकिंग भी देख सकते हैं और साथ ही साथ गूगल कर सकते हैं कि किस तरीके से आप इन बसेस में बैठकर वैष्णो माता के दर्शन के लिए जा सकते हैं। फिलहाल द डॉन एक्सप्रेस में बस इतना ही। बाकी खबरों के लिए आप बने रहिए हमारे साथ। आप हमारी वीडियो को अंत तक देखने के बाद लाइक कर सकते हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और साथ ही साथ हमारे इस वीडियो को फैमिली और फ्रेंड्स में शेयर भी कर सकते हैं। तो बाकी तमाम खबरों के लिए भी आप द डॉन एक्सप्रेस में कभी भी YouTube पर खोलकर देख सकते हैं। फिलहाल आप अपना ख्याल रखिएगा और कोरोना वायरस की महामारी में अपना खास रूप से ध्यान रखिएगा। तो चलिए, अभी मैं आपसे विदा लेती हूँ, फिर मिलेंगे। नमस्कार।